हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ, आई होप आपको पसंद आए। 27 साल के अंदर एक ही सब्जेक्ट पे बनी तीन फिल्में, तीनों हुई ब्लॉकबस्टर, दो में तो एक ही एक्टर आए थे नजर। साल 1980 से लेकर 2007 के बीच पुनर्जन्म पर तीन ऐसी फिल्में बनी है जो रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। आज हम आपको उन्हीं तीन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। बता दें ये तीनों ही फिल्में आज भी लोगों के बीच काफी मशहूर हैं। पुनर्जन्म पर वैसे तो बॉलीवुड में कई सारी फिल्में अब तक बन चुकी हैं, लेकिन उनमें से तीन फिल्में ऐसी हैं जो आज भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन सी मूवी है। नंबर वन की बात करें तो ओम शांति ओम। पुनर्जन्म पर बनी शाहरुख खान की यह फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई थी और ये रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि इसने कमाई के मामले में उस साल रिलीज हुई सारी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया था और साल 2007 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म से मशहूर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में कदम रखा था और शाहरुख के साथ उनकी जोड़ी को भी काफी पसंद किया गया था। ये एक मसाला फिल्म थी जो फराह खान द्वारा लिखित और निर्देशित थी। नंबर दो की बात करें तो करण अर्जुन। शाहरुख खान और सलमान खान स्टारर यह फिल्म भी पुनर्जन्म पर बेस्ड थी और इस फिल्म पर भी दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार लुटाया था। यह फिल्म रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और ये साल 1995 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। ये एक एक्शन फिल्म थी जो राकेश रोशन द्वारा निर्देशित और निर्मित थी, जिसमें सलमान खान और शाहरुख खान के साथ राखी गुलजार, ममता कुलकर्णी और काजोल भी लीड रोल में नजर आई थी। यह फिल्म तो आज भी लोगों की पहली पसंद मानी जाती है। नंबर तीन की बात करें तो कर्ज। दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर की यह फिल्म पुनर्जन्म पर बेस्ड थी जो रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। यह एक थ्रिलर फिल्म थी जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित थी, जिसमें टीना मुनीम और ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में थे। दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आई थी। इतना ही नहीं बल्कि यह फिल्म साल 1980 की नौवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।